मेरा नाम है साहिबली और आप देख रहे हैं बुशटेक एंड स्टडी। तो आज की वीडियो है आप कैसे अपने जो हैंड जो बेल आइकन है वो कैसे आप अपने चैनल के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। ये बाकी और भी यूट्यूबर जो हैं जो अपने चैनल के स्टार्टिंग में लगाते हैं वो आप लोग देखते ही हैं, तो कितना शानदार लगता है। वैसे ही आज हम आपको वीडियो बताने वाले हैं कैसे आप करेंगे काइन मास्टर से, तो बने रहना वीडियो का इन तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा ये इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू कॉन, तो यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे 16:9 पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पे बॉक्स इस तरह का खुल जाएगा। आपको जाना है इमेज पर, यहाँ पर इमेज दिख रहा है और ये ब्लैक ले लेना है और इसको टच करके थोड़ा स्क्रॉल करके लंबा कर लेना है और राइट क्लिक कर देना है। तो आपको अब क्या करना है, अपना जो एक लेना है पीएनजी जो मोबाइल रहता है, जिसको मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहां पर पीएनजी मैंने एक ले लिया, आपको यहां पे दिख रहा होगा, फिर मैंने इसको बड़ा करके यहां पे ऐसे सेट कर दिया और इसको वहां तक जितना बड़ा आपका ये वह बैकग्राउंड है उतना बड़ा इसको स्क्रॉल करके राइट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्क्रॉल करते हुए लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद से आपको एक अपने चैनल का इमेज ले लेना है स्क्रीनशॉट, जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो अब सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर को लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा मोबाइल के हिसाब से सेट करके और ये 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, वो आपका मोबाइल के इंटरन में सेंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पीएनजी आपका हैंडल लेना है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो डाउनलोड किया हूँ ये अपना ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस पर जो सब्सक्राइबर बटन है इस पर आपको लाकर इसके छोड़ देना है और इसके बाद से आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ी देर स्क्रॉल करते हुए अब आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, जो ऊपर वाला है उस पर क्लक कट करेंगे, ये वाला दूसरे के पर क्लिक करेंगे कट हो जाएगा। अब राइट क्लिक कर देंगे, फिर से आपको लेयर पर जाना है, लेयर पर जाने के मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद से आपको फिर से स्क्रीन शॉट पर जाना है। जैसे कि स्क्रीन शॉट आप लिए होंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको आपको वो लेना है, जैसे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर इसको भी बड़ा करेंगे, जैसे ये बड़ा हो गया, अब फिर से वही 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस सेम पोजीशन करना है, राइट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका ये भी हो गया। अब आपको यहाँ से ये थोड़ा जो हैंड वाला है इसको भी क्लिक करेंगे, यहाँ से कैंची लेंगे और इसको बीच में से कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा जो आपका ये है थोड़ा यहाँ से खिसका कर आगे कर लेना है। अब आपको यहाँ से ये वाला यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेट कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये कर दिया, ये हो गया। तब फिर से आपको यहाँ पे ये वाला कट कर देना है नीचे वाला। अब यहाँ पे कैंची पे लेंगे, ये आपको ये कर देना है, कट गया, फिर से राइट क्लिक कर देंगे, फिर से लेयर पर जाना है, सेम प्रोसेस मीडिया पर जाना है। और जब ऑल पर सेलेक्ट किए होंगे तो उसका जो सिम्बल आता है तो वहाँ से लेकर यहाँ पे अपना ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है, वो ऑल पर जब सिलेक्ट करेगा तो यहाँ से ये करके यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेंगे और 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, वो आपका हो जाएगा, राइट क्लिक कर देंगे। तो फिर से इसी को आप लोग जो हैंड वाला है इसको आप लोग कैंची पर करेंगे और यहाँ से बीच में से कट कर देंगे और इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर से एक बार करके देख लेते हैं, ये देखिए ऐसा हो गया, ये ऐसा आया, फिर से ये प्रोसेस यहाँ से हो गया। अब आपको वहाँ से वो हो गया तो फिर से इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कट कर देना है। जैसे यहाँ से ये कट हो गया, आपको ये कट हो गया, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, वो तो हो गया, अब आपको क्या इसे लगाना है, वो आवाज़ जो आवाज़ इसमें लगाया जाता है, तो आवाज़ लगाकर आपको यहाँ से जो सेम प्रोसेस आ जाता है इसका, तो ये देखिए वो जो आपको जो ऑल पर सेलेक्ट करते हैं तो वो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको आ गया, तो यहाँ पर भी वैसे ही सेट कर देंगे जैसे पहले किए थे, तो ये आपका हो गया ये, और 3 डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, आपका हो गया
ये आपका हो गया। और आपको हैंड को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। जैसे यहाँ से मैं अपना हैंड हटा देता हूँ, ये आपका हो गया हैंड, वहाँ से हट गया। अब आपको क्या करना है, एक बार और करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर आपको ये वाला प्रोसेस यहाँ से आपको कट कर देना है। जैसे यहाँ पे कट हो गया, ये आपका कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो है, जो आपका लगाए थे, वो भी कट कर देना है। यहाँ से लेकर ये भी यहाँ तक कट हो गया। फिर से इसका जो बैकग्राउंड है, ये भी उतना कट कर देना है, ये भी कट हो गया वैसे कि वैसे ही। अब क्या करना है, आपको जो सॉन्ग लगाना है इसमें, मतलब जो आपको जो आवाज़ आती है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो ऑडियो बजाएंगे, ऑडियो बजाने के बाद से आपको फोल्डर्स पर जाना है और डाउनलोड किए रहेंगे तो इसमें आएगा आपका। और लास्ट में देखिए, ये आ गया यूट्यूब सब्सक्राइब, ये आ गया, इसमें जोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक बार देख लीजिए, हो गया। ऐसे ही आप कर लेंगे और ऐसे ही आपका भी बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो आपको यहाँ से होने के बाद से आपको यहाँ पे जो तीर का निशान देख रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो आपका ये सेव होने की ऑप्शन मांगेगा, तो जैसे सेव कर लेंगे। चलिए, थैंक यू एंड धन्यवाद। वीडियो शेयर एंड कॉमेंट जरूर बताना, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये रहा आपका स्क्रीन।